निकाल दो भैया, निकाल दो, अगर निकालना है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, निकालना है तो। वह यार मानना पड़ेगा पुलिस सुपरस्टार को, उनके फैंस को, मतलब जिसका नाम पूरी दुनिया के करोड़पति की लिस्ट में आता है, जिसका नाम इंडिया के नंबर वन करोड़पति की लिस्ट में आता है। मैं बात करने वाला हूँ अंबानी की। अंबानी के लिए कोई चीज़ खरीदना नामुमकिन है, हर चीज़ खरीद सकते हैं। उनका घर ही 2000 करोड़ से ज़्यादा का है, शायद इससे भी ज़्यादा का होगा, जिनके लिए कोई भी चीज़ करना नामुमकिन है। लेकिन ऐसे में पुनीत सुपरस्टार ने इतने बड़े आदमी को, जहां पर अंबानी के सामने पुनीत सुपरस्टार कुछ भी नहीं, एक मामूली से है, लेकिन उस मामूली शख्स ने अंबानी को झटका पहुंचाया है, अंबानी को झटका दिया है। ये देखकर पूरी दुनिया हैरत में है। क्या पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर फटाफट देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी इस तरह के अपडेट लाते रहता हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आखिर पुनीत सुपरस्टार ने कैसे झटका दिया इंडिया के नंबर वन करोड़पति आदमी यानी कि अंबानी को, तो क्या पूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी फटाफट दे देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बिग बॉस OTT के अंदर पुनीत सुपरस्टार को लिया जाता है, मतलब बड़े जोरों शोरों से लिया जाता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के अंदर बिग बॉस की हिस्ट्री के अंदर उनको बाहर कर दिया जाता है, मतलब उनकी कुछ बातों की वजह से और जो बिग बॉस में खिलाड़ी खेले थे उनकी वजह से। हालांकि पहले बोला गया था, जो प्रोमो आए थे बिग बॉस OTT के, यहाँ पे ये बोला गया था कि जनता के फैसले से ये बिग बॉस OTT चलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बिग बॉस से बाहर कर दिया जाता सिर्फ 12 घंटे के अंदर पुनीत सुपरस्टार को, और जो बिग बॉस वाले थे, जो बिग बॉस OTT वाले थे, वो समझ रहे थे पुनीत सुपरस्टार को निकालना एक मामूली चीज़ है, लेकिन वो मामूली चीज़ नहीं बल्कि उनको बहुत ज़्यादा भारी पड़ी। जैसे पुनीत सुपरस्टार को बिग बॉस से बाहर निकाला जाता, वैसे सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता, लाखों में पुनीत सुपरस्टार के फैन बनना शुरू हो जाते, उनकी तरफ से लड़ना शुरू हो जाता। और आपसे बता दूँ, जैसे पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाला जाता, उसके बाद जो जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT बताया जा रहा था, जो कि अंबानी के पे जियो सिनेमा, जिसकी रेटिंग बिग बॉस शुरू होने से पहले और पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकालने से पहले 4.7 थी प्ले स्टोर पर, जो कि एक बड़ी रेटिंग थी, कई लाखों के ना मिलियन में लोगों ने इसे डाउनलोड किया था। लेकिन जैसी पुनीत सुपरस्टार को बाहर निकाला जाता, सोशल मीडिया पे हंगामा मचता, जो पुनीत सुपरस्टार के फैन थे, जो पुनीत सुपरस्टार के फैन बनते हैं, उनको लगा कि पुनीत सुपरस्टार गलत हुआ। वैसे आप सबको बता दूँ, जो जियो सिनेमा की ऐप थी, लोगों के मोबाइल में जो बिग बॉस देख रहे थे, उन्होंने धड़ाधड़ इस ऐप को डिलीट मारना शुरू कर दिया। इतना डिलीट मारा कि अभी तक शायद हिस्ट्री के अंदर ना सलमान खान ना शाहरुख खान के फैन ने करके दिखाऊंगा, क्योंकि जियो सिनेमा की जो रेटिंग गिरी ना, जो पहले 4.7 थी, अब जो रेटिंग हुई ना उसकी, जो आप सभी साइड में दिख रहा हूँ, 1.1, मतलब 4.7 किधर, 1.1 किधर, मतलब इतने तेजी से जियो सिनेमा को डिलीट किया गया, अनइंस्टॉल किया गया, उसकी रेटिंग इतनी धड़ाधड़ गिर गई कि अभी तक किसी भी ऐप की नहीं गिरी, और ना ही किसी के फैन ने करके दिखाया, जो पुनीत सुपरस्टार के फैन ने करके दिखाया, अंबानी को हिला के रख दिया, मतलब अंबानी की ऐप को मतलब डाउन कर दिया। अपना में बड़ी बात है, लेकिन ये बात मानना जरूरी है, जिसके पीछे जनता का सपोर्ट रहता है उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आज आप देखिए पुनीत सुपरस्टार के फॉलोअर कितने हैं, जबकि मैंने देखा तो 400 के पे देखा था, और आप देखिए कितने हो चुके हैं, 2.7 प्लस कुछ होंगे, आप सभी को दिखे, वो भी इंस्टाग्राम पे, और लाखों के चाहने वाले बन गए, लाखों ने देखने वाले बन गए। तो ऐसे में आप सभी यही बोलना चाहूँगा, जिसके पीछे जनता की पावर रहती है उसके आगे कुछ भी नहीं रहता, कितना बड़ा आदमी रहे ढेर हो जाता है। लेकिन इसी पर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और इसी के साथ, अगर आप पुनीत सुपरस्टार के फैन हैं, इस वीडियो को जितना ज़्यादा उतना शेयर, उतना फैलाइए, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि पुनीत सुपरस्टार ने अंबानी को हिला दिया। इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जरूर फैलाइए।